अंजना ओम कश्यप, अंजना ओम कश्यप की फिल्म बनेगी, इसकी भी शिकायत करेंगे देखे देश के लोग, इसके महिलाएं इसके पीछे पड़ने वाली है, ये भी बकवास करती है, काय के पत्रकार है सीनियर, समझे? अरे कौन सी दिखाने की जरूरत नहीं है, किसको? चैनल पर, उसके चैनल पर बोलता कौन है? तू टूटते हम इसके चैनल पर, हम विपक्ष को क्यों जगह दे अपने, काय के विपक्ष में हमसे इंतजाम हो गया है, कंगना का जो है ना कान सेक दिया है, कंगना का कंगना बना दिया उसका उठा के, मारपीट भाई एक बात बताओ, किसी को बहन बेटी को जो किसान आंदोलन में थी उनके साथ बदतमीजी की, उनसे कह रही किराए की है, ये बोले किराए की है, अरे तो एक बात काय की सांसद है, मंडी है, मंडी में तो उसे क्या मालूम, उसकी कुंडी खोल दी कान की ढंग से, पहले से दिया कान में आवाज सही सर ऐसी हो गई होगी, समझे, भूल गई होगी सामने, अराजकता क्या है, इसने जो भलाई है वही तो है भाई, किसानों के लिए उल्टा सीधा बोलना, उसी से बयान जो देश के किसान और जवान के खिलाफ आंदोलन, तो किसान किसान था और किसान जवान ने मारा। देखिए सरकार तो ये जो भी है चलनी तो है नहीं, और ये भी धांधली से सरकार बनी है, कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय से और उनसे डर दिखा के, जैसे जो डीएम वगैरह हैं उनके ऊपर डर दिखा के बहुत को जितवाया गया जबरदस्ती, और कहीं ना कहीं काउंटिंग भी रुकवाई गई, और जो हार रहे थे भाजपा के लोग उस जगह काउंटिंग रुकवा के उन्हें जितवाया कम से कम वोटों से और उन्हें आगे बढ़ा दिया, तो उसमें कम से कम 15 सीटों के साथ खिलवाड़ कराया इन्होंने उत्तर प्रदेश में ही, जिनमें 15 प्रत्याशियों को ऐसे ही सांसद बना दिया इन्होंने डीएम की ताकत से, तो ये स्थितियां हुई और इनकी तो हालत खराब है भाई, हालत क्यों खराब है, पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बन रही है, कहाँ पूर्ण बहुमत है, एनडीए कुछ नहीं, एनडीए भाग जाएगा, एनडीए का तो मतलब है, मैं पहले कहा था नेशनल दंगा अलायंस, नेशनल दल्ला अलायंस, दल्ले भी हैं भाग जाएंगे, कहाँ अभी इसकी पार्टी के ही भागेंगे, इसकी पार्टी छोड़ के भागेंगे, अभी भी आ रहे हैं, बताइए भाग भाग के आ रहे हैं, मगर उनकी एंट्री नहीं है, वैसे पार्टी की राजनीति करते थे ना वो, वैसे आ रहे हैं पदाधिकारी छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, मगर नहीं अखिलेश भी नहीं पकड़ रहा, ना कांग्रेस पकड़ रही ना और अन्य पार्टी पकड़ रही, कह रहे नहीं इनको भटकने दो, इनकी जरूरत नहीं है, ये तो दलाल हैं, और भाई सबसे बड़ी बात तो ये वहाँ से ही हार गए, अयोध्या से हार गए, ये राम को लाए तो इस राम को श्री राम ने पिछवाड़े पैसे लाद दी, मुँह केबल करे मुँह दांत मुँह सब फूट गया इनका, समझे नहीं, सारा घमंड टूट गया, अरे अहंकारी महाअहंकारी थे इन्होंने, तो भाई सही बता रहा हूँ, निर्वाचन आयोग शोर है, वो तो सरकार नहीं बदली, अभी सरकार बदलेगी तो निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी जेल में जाएंगे, बहुत सारे लोग जेल में जाने वाले हैं, और अमित शाह और मोदी तो जाएंगे 15 दिन के लिए, भी सरकार बदलती है, नीतीश कुमार जी फिर पलट जाएंगे क्या? हाँ पलटेंगे, सब लोग आएंगे भाई, कोई संतुष्ट नहीं है, एनडीए के जितने घटक दल है वो संतुष्ट नहीं है मोदी से, और कोई नहीं चाहता कि मोदी प्रधानमंत्री बने, यहाँ तक कि आरएसएस भी नहीं चाहती मोदी प्रधानमंत्री बने, भाई वो चाहते गडकरी बने, राजनाथ बने, वो शिवराज सिंह चौहान बन जाए, और तो यार मेरी बात से लोग बिचारे एक दिल के अरमा आंसू में बह गए, आडवाणी जी को बना दें, बिचारों के ख्वाब पूरे हो जाएंगे, योगी जी को बनाएंगे ना, आडवाणी को बना यार, योगी जी दिल के अरमा आंसू में बह गए, चेला चेले गुरु को बना दे, आशीर्वाद दे देंगे तुझे ढंग से, कौन शपथ की तैयारी कर रहे हैं मोदी, कोई नहीं शपथ अपथ कुछ नहीं, भाई शपथ नहीं, अब रपट लिखेगी इनकी, सारे एनडीए वाले भागेंगे, रपट लिखेगी, अभी जेल में जाएगा, अभी देखा ना क्या हुआ फिल्म, समझे है, अभी एक का तो कान से इंतजाम हो गया है, कंगना का जो है ना कान सेक दिया है, कंगना का टंगना बना दिया उसका उठा के, मारपीट भाई एक बात बताओ, किसी को बहन बेटी को जो किसान आंदोलन में थी उनके साथ बदतमीजी की, उनसे कह रही के लिए किराए की है, ये बोले किराए की है, अरे तो एक बात काय की सांसद है, मंडी से जीती है, मंडी में तो उसे क्या मालूम, उसकी कुंडी खोल दी कान की ढंग से, पहले से दिया कान में आवाज सही सर ऐसी हो गई होगी, समझे भूल गई होगी सामने, अराजकता क्या है, इसने जो भलाई है वही तो है भाई, किसानों के लिए उल्टा सीधा बोलना, उसी से बयान जो देश के किसान और जवान के खिलाफ आंदोलन, तो किसान किसान था और किसान जवान ने मारा, जवान महिला थी, उन्होंने दिया खींच के, जो उसे पता नहीं राष्ट्रभक्ति, एयरपोर्ट पे मारा है, हाँ तो देशभक्ति किसमें होती है, ये को देशभक्ति तोड़ी है, ये तो नचनिया है, इसे क्या मालूम, जैसा खुद काम करती है बिकती है, अरे जो देश के लिए आंदोलन जो महिलाएं कर रही थी किसान आंदोलन, जैसे खुद बिकती है पैसे पे, उन्होंने कह दिया कि बिकती है, हिमाचल की बेटी है, कहीं ना बेटी है, अरे बेटी है कहाँ जाती है क्या करती है सबको पता है, समझो मौन धारण करता है जो विश्वामित्र इसका उसका अनशन तोड़वाने जाती है, तो गई तो थी अभी कन्याकुमारी, कहले मैं आ गई तुम्हारी कन्याकुमारी, खत्म करो बीमारी, अनशन खत्म करो, वोट पड़ गए है, और तुरंत शाम को आइस पाइस धप्पा और मजे लेके मस्त बैठे हैं, आप देखो मोदी क्या, मैं देख रहा हूँ पिछले दो दिन से तो मुझे लगा ड्रेस भी नहीं बदली उसने, पहले एक दिन में छह छह ड्रेस बदल लेता, फिर ड्रेस भी नहीं बदली, क्या हुआ मोदी है, क्या हुआ, कहाँ गए प्रगट, वस्त्र उठ गए।
ज्वेलर प्रकट हो जाते थे, अपने आप कपड़े पहन लेता था फट 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 फट। कंगना थी दिल्ली मीटिंग के लिए। हाँ तो कंगना का तो लोग कान सेक दिया ना दिल्ली मीटिंग। हाँ कान सजना का मीटिंग के लिए। हाँ तो मीटिंग और सीटिंग हो गई इसकी। हाँ। अभी तो फिटिंग होनी है इसकी ढंग से। अभी रुक जाओ, सरकार तो अभी बदलेगी। जिस महिला जवान ने थप्पड़ मारा उसे अरेस्ट कर लिया। कोई नहीं अरेस्ट हुआ, पूछताछ अरे कहीं नहीं हुआ, पूछताछ होगी बात खत्म। भाई किसी के साथ गलत भावनाओं को भड़काएंगे, भावनाओं को हाथ पहुंचाया, देश के किसानों की भावनाओं को, देश के जवानों की भावनाओं, जब ईंट पत्थरों की आते हो जाती थी इनको तब कोई दिक्कत नहीं हो, किसानों को हाथ नहीं होती, किसान जो देश की बहन बेटियां उनको हाथ नहीं हुई, उसी की बेटी थी वो जवान लड़की, उसकी माँ संघर्ष करती और कहती 200 रुपए 500 रुपए में, जैसे खुन्ना चनिया पैसे के बल पे चुम्मा देती है तू, पैसे के बल पे वहाँ भरतनाट्यम करती है, पैसे के बल पे बिकनी पहन के नहाती है, पैसे के बल पे स्वागरात मनाती है, पैसे के बल पे सारे काम करती है। अरे मैडम छोटा बड़ा चुम्मा सब देती है, तो एक बात बताओ, संघर्ष कर रहा हो काम है, जो आंदोलन कर रहा है अपनी खेती मजदूरी के लिए, वो सब कुछ देश के लिए लड़ रहा है, उसको कह रहे हो 200 रुपए 400 रुपए में आई है, 500 में, और तू कितने वाली है री? ये बता काहे की सांसद फांसद बेशरम। अरे सांसद तो पिटेगी नहीं, सांसद आए सांसद गलत बोलेगी तो पिटेगी नहीं, गलत को सांसद बलात्कार करेगा तो जेल नहीं जाएगा, पिटेगा नहीं, रिमांड नहीं खींचेगा, सांसद देश को लूटेगा तो जाएगा नहीं जेल, मंत्री भी जाएगा, मोदी भी जाएगा, अरे मोदी भी जाएगा और अमित शाह भी जाएगा। हाँ ये क्या है चेली इसकी, क्या लग रहा है मोदी जी क्या झुक जाएंगे कहाँ नीतीश कुमार के आगे? हाँ तो झुकना तो पड़ेगा, हाँ अब प्रकट हुआ है अब तो झुकेगा भी। अवतारी की देखो क्या हालत हो गई है, बीमारी सी हो गई है सकल। पहले कह रहा अवतारी, अब हो गई बीमारी। हाँ। है अब जा रहा है इधर उधर भागता, वो कपड़े नहीं चेंज कर पा रहा है बेचारा, टॉयलेट बाथरूम नहीं जा पा रहा, हवा खराब है। पद को लेकर बड़ी असमंजस में है। कौन सा स्पीकर? स्पीकर पद को। अरे स्पीकर गृह मंत्रालय मांग रहे वो। हाँ। और गृह मंत्रालय रक्षा मंत्रालय सब मांग रहे हैं, अब वो सोचा क्या होगा, गृह मंत्रालय से पुलिस खींच लेगी इनको, ईडी सीडी सब उसके हिसाब से काम करेगी, इसकी फिल्म बना देंगे। अमित शाह कहाँ भागेगा? अमित शाह कहेगा बापू बचा बचा, और वो जो क्रिकेट खेलता उसका बेलगाम लौंडा उसको भी जेल में जाना पड़ेगा, देख लेना इन सबको जेल में जाना पड़ेगा, कोई नहीं बचाएगा इन्हें। क्या झुकेगी बीजेपी अब? अरे बीजेपी भाई ये झुकेगी नहीं, कि इसकी हालत खराब है, चलेगी नहीं। सब लोग इतने घटक दल हैं, सब मोदी के खिलाफ हैं, मोदी और अमित शाह के खिलाफ हैं, मोदी अमित शाह के आउट करना चाहते हैं। लेकिन मीडिया में तो ये चल रहा है कि अगर ये लोग भी इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं तो उसके बाद जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं उनको शामिल कर लेंगे। कौन से निर्दलीय है? 17। कौन से 17? कोई नहीं आ रहा इनके साथ। हाँ। कितना पैसा देंगे तो भी इनको मीडिया में चल रहा है। अरे भाई कोई एक्सेप्ट नहीं, मीडिया तो चला रही है, दल्ली थी इसकी मीडिया। हाँ। अभी बच्ची कुछ ही है। हाँ। अभी उनका पिछवाड़ा लाल सेट हो जाएगा ना सरकार, जब अगले चेंज होगी सब तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, सब बताएगी, सब पैसा जो कमाने जो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे थे, हेलीकॉप्टर भी लटकाया जाएगा तुम्हें। सुधीर चौधरी जब अब तक जिन्होंने सुधीर चौधरी वही पत्रकार है जो अब तक मुसलमानों के लिए अच्छी बातें नहीं बोली, लेकिन कल उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट शो में मुसलमानों की तारीफ कर रहे थे। हाँ तो कुछ भी अब उसे लग रहा जीजा हो गया होगा मुसलमान उसका, जीजू हो गए होंगे तेरे भी, ब्लैक एंड व्हाइट तू भी हो गया राइट, बेटा भी तो तेरी टाइट करेंगे ढंग से, ये नहीं कि एक दिन में तुम बदल गए, भूतनी के हो, रंग हमारा सेट किया जाएगा सबका। और कंगना हो, कंगना के साथ वाली कौन थी वो जो उड़ती थी हवाई जहाज में, क्या नाम है उसका? स्मृति ईरानी, शायद स्मृति ईरानी नहीं यार, अंजना ओम कश्यप। हाँ। अंजना ओम कश्यप की फिल्म बनेगी। हाँ। इसकी भी शिकायत करेंगे देखे देश के लोग। हाँ। इसके महिलाएं इसके पीछे पड़ने वाली है, ऐसा ना बोले, ये भी बकवास करती है, के पत्रकार है सीनियर। हाँ। समझे आप लोगों को बात, अरे कौन सी दिखाने की जरूरत नहीं है, किसको चैनल पे, इसके चैनल पे बोलता कौन है, तू तूकते हम इसके चैनल पे, हम विपक्ष को क्यों जगह दें अपने, काय के विपक्ष में क्यों जगह दें आप? हाँ तो पक्ष तू पक्ष है उसे बिस्तर पे लेटा, हमें क्या लेना उससे, पक्ष विपक्ष देश हित में दिखाएगा, पत्रकार के विपक्ष को नहीं दिखाएगा बे, नहीं विपक्ष पत्रकार है पगली है, इसने लोकतंत्र नहीं पढ़ा, संविधान नहीं जानती, तो इसका मतलब लोकतंत्र के खिलाफ बोल लिया, संविधान के खिलाफ इसको जेल में डालो, हेलीकॉप्टर सहित इसको बंद करो उसे जेल में, वहीं उड़ाओ उसको हेलीकॉप्टर को, इसको पता नहीं कहाँ कहाँ से